वेलकम टू बी एच ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे द एनिमी का लास्ट पार्ट, 8 नंबर पार्ट। ओके, तो देखिए कल पढ़ा था, नेक्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू होगा। देख लीजिए आप यहाँ से। ओके, द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, शदव से। और शदव हना को बोलता है कि ये सर्वेंट्स वापस आ जाएगा जब मैं इस फॉरेनर को बाहर भेज दूंगा। ओके, He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and the pulse. और जब next दिन तो उसको भेज ही देगा white person को, तो उससे पहले क्या करता है, सोने से पहले, सदा सोने से पहले उसके रूम पर जाता है। वो white man के रूम पर जाके उसका temperature चेक करता है, उसके घाव को चेक करता है, heart beat को चेक करता है, pulse rate को चेक करता है, ताकि वो सुस्त है कि नहीं देखने के लिए। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। और पल्स रेट जो था वो थोड़ा सा इरेगुलर था, रेगुलर नहीं था। ठीक है, शायद वो ज़्यादा एक्साइटमेंट था इसीलिए। और होता है जब कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है ना, तो उसका दिल का जो धड़कन होता है ना, वो धक धक ज़्यादा करने लगता है, उसका पल्स रेट भी बढ़ जाता है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वेयर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, ओनली द स्केयर्स ऑन हिज नेक वेयर रेड। और वो बहुत ही एक्साइट था, उसका लिप एक दूसरे से मतलब एक साथ थे, प्रेस कर रहा था, और उसका आंखों से ऐसा लग रहा था कि आग जल रहा था। ओके, और लेकिन क्या दिखाई दे रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, ओनली द स्केयर्स ऑन हिज नेक वेयर रेड, और उसके नेक के नीचे, गले के नीचे जो स्केयर्स थे, दाग थे लाल, वो दिखाई दे रहा था, बाकी हर एक चीज़ ठीक हो चुका था उसका। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। और वो इंसान सदाव को बोलता है, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आप दोबारा मेरे ज़िंदगी को बचा रहे हैं, आप मुझे ऑपरेशन करके एक बार बचाया और मुझे भेज कर दोबारा आप बचाने वाले हैं। नॉट एट ऑल, शदव से। शदव बोले, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। ये बताता है कि आपको यहाँ पर रखना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके, इनकन्वीनियंट मतलब मुश्किल। उसके बाद ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट। और वो एक डिसीजन लेता है कि मैं उसको एक फ्लैश लाइट दूंगा, फिर भी फ्लैश लाइट देने से पहले वो थोड़ा सा सोचता है, दुखी नहीं फ्लैश लाइट। हाँ, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। और लास्ट में क्या सोचता है, मैं इसको फ्लैश लाइट एक दे ही देता हूँ। इट वॉज ए स्मॉल वन हिज ऑन व्हिच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड। और ये टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट, वो रात को इस्तेमाल करता था जब कोई भी लोग उससे बुलाते थे ऑपरेशन के लिए, चिकित्सा के लिए। ओके, तो टॉर्च लाइट दे क्यों दिया, ताकि वो अंधेरे में जब जाए वो इसका इस्तेमाल कर पाए। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइज़न। और कहता है कि मैंने तुमको तो खाना दे दिया, अगर खाना खत्म हो जाता है बोट से, तो तुम एक काम करना, मुझे तुम दो फ्लैश देना, दो बार टॉर्च लाइट को जलाना। कब जलाना, जब सूरज जब डूबने वाला होगा तभी मुझे फ्लैश लाइट देना, डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, जब रात हो जाएगा तब मुझे सिग्नल मत देना, क्योंकि लोग अगर देखेंगे तुम पकड़े जाओगे। फॉर इट विल बीन सीन इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर। ओके, जब तुम सही सलामत होगे वहाँ पर, सिग्नल मी वंस, और तुम सही सलामत हो, तुम्हारा खाना भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन तुम वहीं पर हो तो मुझे एक बार सिग्नल देना। इफ़ यू विल फाइंड फ्रेश फिश इट्स ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ। और तुम्हें वहाँ पर खाने के लिए मछली मिल जाएगा, लेकिन उस मछली को तुम कच्चा ही खाना है। क्यों कच्चा खाना है, ए फायर वुड बी सीन, अगर तुम फायर जलाओगे तो फायर लोग देख सकता है और तुम पकड़ में आ जाओगे, इसीलिए। ओके, द यंग मैन ब्रेथेड। और यंग मैन कहता है, ठीक है मैं वही करूँगा जो आप कह रहे हो। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स व्हिच शदव हैड गिवन हिम एंड द लास्ट मोमेंट शदव रैप्ड ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेयर। और क्या करता है, शदव इसे जापानीज क्लोथ पहना देता है। क्यों पहना देता है जापानीज क्लोथ, क्योंकि वो जापान में था, अगर लोगों को पता चल जाएगा कि ये अमेरिकन है तो इसे पकड़ के फिर से आर्मी को, पुलिस को सब देगा, इसीलिए जापानीज क्लोथ पहना देता है। और लास्ट में क्या करता है, उसके सर को, सर का जो बाल होता है वो क्या है, येलो कलर है, इसीलिए सर को भी कपड़े से ढक देता है। नाउ शदव सेट। और शदव कहता है, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शुक शदव्स हैंड वार्मली एंड देन वॉक्ड क्वाइटली वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन टू द स्टेप्स इन द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। और तभी यंग मैन क्या करता है, यंग मैन उसके हाथ को पकड़ के शेक करता है, हैंडशेक देता है, और दोनों एक साथ रूम से बाहर रात को अंधकार में वो गार्डन के तरफ स्टेप बाय स्टेप निकल पड़ता है। किसके लिए, शोर में जाने के लिए, नाव में उठने के लिए। वंस ट्वाइस ऐसे करके एक दो स्टेप देखे देखे चला जाता है बाहर गार्डन की तरफ। शदव शो हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे। और जब वो नाव में उठा देता है तो देखता है कि वो जो व्हाइट मैन है
एक दो तीन से ऐसे करके फ्लैश जला के जला के जला के जला के जा रहा है, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा था वो वाइट मैन। ओके बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, ही वेटेड अनटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वंस मोर फ्लैश। और तब तक वहाँ तक रहता है शदा जब तक ना दोबारा और एक फ्लैश दिखाई देने लगता है। ओके दोबारा और एक फ्लैश दिखाई देने लगता है दूर से। देन ही क्लोज द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लैप। और क्या करता है शदाव, दरवाज़ा बंद करके उस दिन रात को वो चैन से सोता है। कौन सोता है चैन से? शदाव, क्योंकि टेंशन जा चुका था। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली। और जनरल कहता है, तुम कहते हो, क्या कहते हो तुम, कि वो बंदा यहाँ से भाग चुका है। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू व्हिच शदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। और जनरल का दिल का दौरा पड़ा था फिर से। और देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल कहता है कि तुम क्या कहा, तुमने कहा कि वो इंसान भाग चुका है। यहाँ तक ब्रेक रखिए। अभी यह थोड़ा सा दूसरे और सोचिए कि यहाँ पर एक हफ्ता पहले रात को सदाव को बुला लिया गया था, एक हफ्ता पहले, ठीक है, जब इंसान भागा उससे एक हफ्ता पहले ऑपरेशन किया गया वो जनरल साहब का। फॉर 12 आवर्स शदाव हैड नॉट बीन श्योर दैट जनरल वुड लिव। और 12 घंटे तक मतलब शदाव को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये इंसान शायद जिएगा नहीं, जनरल साहब शायद जिएगा नहीं, मर जाएगा, ऐसा सोचने लगा था। द गर्ल ब्लडर वॉज मच इन्वॉल्व, और गर्ल ब्लडर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। और वो जनरल साहब को थोड़ा सा अच्छा हुआ उनका, वो सांस लेने लगा था और खाने के लिए मांगा, ठीक है, उसको खाना भी खिलाया जनरल साहब को, वो वीक हो चुका था जनरल साहब। शदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। और तब जो कि ये जनरल साहब का तबीयत ख़राब था, तो असैसिन्स के बारे में पूछना भी उनको डर लग रहा था, अभी पूछूँ कि नहीं पूछूँ असैसिन्स के बारे में। और आपको पता होगा कि असैसिन्स का मतलब होता है सीक्रेट किलर। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, और जो कि उनको पता था कि वो कभी भी नहीं आएगा असैसिन्स। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थ्रोली एंड हैड बर्नड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। और क्या क्या सर्वेंट्स लोग भी वापस आ चुका था, यूमी ने क्या क्या सल्फर जला दिया था उस रूम पे। सल्फर क्यों जलाया, ये उस रूम का जो स्मेल था वो वाइट मैन का स्मेल वहाँ से निकालने के लिए उस रूम में सल्फर जला दिया था। नोबडी सेड एनीथिंग, कोई कुछ भी नहीं कहा उसके बाद। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिसेंथेमम्स। और कोई भी सर्वेंट कुछ नहीं कहा, सब सर्वेंट सुप रहा, लेकिन ये जो गार्डनर है ये थोड़ा सा गुस्सा था। किसके लिए? एक क्रिसेंथेमम्स एक फ्लावर है, क्योंकि उसको थोड़ा सा देखभाल करने में देरी हो गया था, उसका देखभाल इतना दिन नहीं हुआ, इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्सा था। बट आफ्टर वीक शदाव फेल द जनरल वॉज वेल एनफ टू स्पोकन अबाउट द प्रिजनर। और एक हफ्ता बाद जब जनरल साहब ठीक हो चुका था, तब उनको लगा कि अब जाके मैं प्रिजनर के बारे में पूछ सकता हूँ, शायद अभी जनरल साहब का हालत ठीक है। यस एक्सेलेंसी ही एस्केप्ड। तो ये सारा जो पैराग्राफ है मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि यू से द मैन एस्केप्ड से ये बीच में एक हफ्ता पहले हुआ था ये वाला। और यू से मैन एस्केप्ड, जनरल पूछा था क्या कहा तुमने कि वो इंसान भाग चुका है, और आंसर यहाँ से देते हैं, यस एक्सेलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ हुजूर वो भाग चुका है। सदाव ना सही, सदाव कहता है, ही कॉफ्ड सिग्निफाइड दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फादर। बट द ओल्ड मैन ओपेंड हिज आई सडनली। और देखिए वो ज़्यादा अच्छे से भी बात नहीं कर पा रहा था जनरल साहब, क्योंकि वो उनका वीक था और आँख को बंद करके वो बातचीत कर रहा था। ओके और दादा डिस्टर्ब भी देने नहीं वाले थे शदा उनको। द प्रिजोनर ही सेड विथ सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। और जनरल साहब कहता है, वो प्रिजोनर मैंने तुमको नहीं कहा था क्या कि मैं उसे मार दूंगा, मैं किसी को भेजूंगा, मैं तुमको प्रॉमिस किया था ना कि मैं किसी को भेजूंगा उसको मारने के लिए। और यहाँ पर शदाव कहते हैं, यू डिड एक्सेलेंसी, शदाव कहते हैं हाँ आपने तो किया था, आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप उसे मार देंगे। वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट। और वो इंसान जनरल साहब कहते हैं हाँ मैंने तुमको कहा था, यस ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ को भी धीमे से बोलता है, सो आई डिड, हाँ मैंने तो किया था, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू। तुम तो देख ही रहे हो कि मैं कैसे सफ़र कर रहा हूँ, मेरा बीमार है, सच बात बोलूँ तो मैं सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था, किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। इन शॉर्ट छोटे से बात से बोलूँ तो आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, मैंने अपना जो वादा किया था तुमको वो मैं भूल चुका था। ओके आई वंडर योर एक्सेलेंसी, सदाव मरवा, सदाव कहते हैं हाँ हाँ मैं भी समझता हूँ सर,
मैं भी यही तो थोड़ा सा मतलब मैं सरप्राइज हो गया था कि क्यों ऐसा क्यों हुआ था। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी जनरल से। जनरल कहते हैं हाँ मैं बहुत ही केयरलेस हूँ, मैं तुमको मदद नहीं कर पाया। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डिरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी। ये अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। पेट्रोटिज्म और डिरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी जनरल साहब के अंदर थे या फिर नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए, जनरल साहब खुद कहता है तुम ऐसा मत समझना कि मेरे अंदर पेट्रोटिज्म नहीं है, देशभक्ति मेरे अंदर नहीं है। तुम ऐसा मत समझना कि डिरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी मेरे अंदर जो ड्यूटी का सिंसियरनेस है वो नहीं है, मैं इनसेंसियर नहीं हूँ, ऐसा मत समझना। ये लुक एंड सीरियसली ऐसे डॉक्टर और डॉक्टर को ऐसे देखता है, चिंतापूर्वक देखने लगता है। इफ़ यू द मैटर शुड कम आउट वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। अगर ये मैटर अगर बाहर आ जाता है, लोग सोच लेता है ओके तो क्या होगा बोलो। सर्टेनली योर एक्सेलेंसी, हाँ आप ठीक कह रहे हैं एक्सेलेंसी। ही सडनली क्रम पे हैंडेड दैट द जनरल वॉज इन पाल ऑफ हिज हैंड एंड दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। और यहाँ पर क्या कहता है, वो पहला लाइन पढ़ लीजिए। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। कहता है कि अगर ये बात अगर लोगों के बीच में आ जाता है, लोग सुन लेता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने हेल्प नहीं किया, ठीक है तुम तो मुझे बचा लोगे ना, तुम मुझे बचा लोगे ना, ऐसा जनरल साहब सदाव को कहता है। और तब सदाव सोचने लगता है हाँ अभी ये जनरल साहब मेरे हाथों के मुट्ठी पे है। द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, ये जनरल अभी तो मेरे हाथों के मुट्ठी पे है, अभी मेरा कुछ टेंशन नहीं है। दैट एज कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। और अभी सदा सोचने लगता है हाँ अभी तो मैं सेफ हूँ, अभी टेंशन नहीं है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी। और कहता है कि मुझे आपके लॉयल्टी पर पूरा भरोसा है जनरल साहब। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, ओल्ड जनरल को बोलता है, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और एनिमी को भी आप कुछ ना कुछ कर ही देते, ये भी भरोसा था आपके ऊपर। यू आर ए गुड मैन द जनरल मर्मर्ड एंड द क्लोज हिज आइस यू विल बी रिवार्डेड। और जनरल अपने आंखों को बंद करके ये बरबरा रहता है क्या कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुमको रिवार्ड दिया जाएगा, तुमको पुरस्कार किया जाएगा, ऐसे जनरल साहब सदाव को बोलता है। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट को पता है कि वो जो शाम से पहले का इवनिंग टाइम को बोला जाता है, सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड। लेकिन उसी दिन शाम के पहले थोड़े पहले उसे एक रिवार्ड मिला कि वहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आया, ना फ्लैश वापस आया, और इसे ये लग रहा था कि वो इंसान चला जा चुका है, यही मेरे लिए रिवार्ड है। देर आर नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डास्क, डास्क मतलब शाम, और शाम को वहाँ से कोई भी लाइट बैक नहीं हुआ था, इसे ये पता लग रहा था कि वो इंसान जा चुका है। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड में कोई नहीं था, इस प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट। और उसको वार्निंग भी किया गया था कि तुम सिर्फ भाव तक किसके लिए रुकोगे, एक कोरियन फिशिंग बोट के लिए रुकोगे, जब वो आ जाएगा बोट तब उसमें तुम उठ के चला जाओगे। ये मैंने पहले से वार्निंग दे दिया था, शायद वो चला जा चुका है। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द बरंदा, और बरंदा में कुछ देर के लिए वो खड़ा रहता है दरवाजे के पास, गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम व्हेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, और उस तरफ देखने लगता है जहाँ से वो इंसान आया था उसके घर के बगल में उस रात। एंड इन टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि ऑल दो विदाउट रीजन देयर कैम अदर वाइट फेसेस ही हैड नॉन, और उसके दिमाग में और सफेद वाइट फेसेस आ जाता है, अमेरिकन फेसेस आ जाता है, इंसानों को याद करने लगता है। कौन कौन, द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही मेट हैना, और उस प्रोफेसर को याद करता है तब बरिंदा में खड़ा होके जहाँ पर हैना के साथ मुलाकात हुआ था। ए डाल मैन, एक भद्दा सा इंसान था वो। हिज वाइफ हैड बीन सिली टॉकेटिव वुमेन, और उसके जो वाइफ थे बहुत ही टॉकेटिव थे, ज़्यादा बात करते थे, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, लेकिन वो बहुत ही दयालु थे वो दोनों। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी, वो एनाटोमी टीचर को याद करता है अमेरिका से, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, वो नाइफ के ऊपर इतना सारे बातें बताते थे, वो उनको याद करते थे। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरली लैंडलेडी, और वो जो मोटा सा लैंडलेडी थे उनके बारे में भी सोचता है। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका, और अमेरिका में रहने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ए जापानीज, जो कि वो जापानीज थे, और आप लोगों को पता है कि जापानीज एंड अमेरिका के बीच में शुरू से ही युद्ध चल रहा था, दुश्मन है एक दूसरे का। द अमेरिकन्स वेयर फुल ऑफ प्रिजुडिस, और अमेरिका में ये पूरा का पूरा कुसंस्कार एक है कि वो भेदभाव ज़्यादा करते हैं। इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और वहाँ पे इसीलिए रहने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
नोइंग हिमसेल्फ दैट सुपारियर, और जो कि शतक को पता था कि जापानीज थोड़ा सा सुपारियर है, अमेरिका से भी सुपारियर है, बड़ा है, फिर भी वहाँ पर जाकर उनको तकलीफ हुआ घर ढूंढने में. हाउ ही हैड डिस्पाइस्ड दैट द इग्नोरेंट एंड द डार्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम. और लास्ट में ये कहता है कि वो जो डार्टी लेडी था, बद्दा सा लेडी था, वो लास्ट में उनको घर दिया था, एक खराब घर ही दिया था, ओके, छोटा सा वो घर में रहने के लिए दिया था एट लास्ट. ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू. और देखिए इन्फ्लुएंजा, ओके, तो लास्ट में वो शदव कहता है कि वो जो इंसान था, लैंड लेडी था, लास्ट में मेरा जब इन्फ्लुएंजा बीमार हो चुका था तब उन्होंने मेरा देखभाल किया था, इसलिए मुझे अच्छा लगा. बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ही मुश्किल हुआ कि फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन आर काइंडनेस. और ये सबसे बुरा लगा कि जब वो लेडी थोड़ा सा दयालु भाव भी दिखाता था ना, फिर भी क्या लगता था कि वो मुझे डांट रहा है, अच्छा नहीं लगता था. फिर भी दयालु भाव दिखाते थे, फिर भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा था, उसका हैबिट ही ऐसा था. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर. और वो लास्ट में क्या याद करते हैं, वो हैगर्ड फेस, हैगर्ड फेस का मतलब होता है टायर्ड फेस, वो अमेरिकन वाइट मैन का चेहरा याद करता है जो रिपल्सिव थे, एकदम अनअट्रैक्टिव थे स्टेंस. लेकिन एक अजीब सी बात ये रहा कि वो सोचता है, शदव सोचता है कि एक अजीब सा बात है, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम. मैं ये सोचता हूँ, मैं ये मतलब सरप्राइज हो जाता हूँ सोच के कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया, ऐसे मार क्यों नहीं पाया, ये बातें वो सोचने लगता है. ओके, तो देखिए ये है लास्ट स्टोरी, आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा का पूरा बहुत लंबा स्टोरी है, तो इसीलिए कम से कम 20-22 पेज है, तो इसीलिए पार्ट करके समझाना पड़ा आप लोगों को. टोटल 8 पार्ट है, पहले से 8 तक, तो आपको पूरा पार्ट देखना है तभी जाकर आपको समझ में आएगा. और इसके बाद देने वाला हूँ मैं एक समरी इसके ऊपर, तो अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें. थैंक यू सो मच.